सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं मेरे सभी दर्शकों को मिस्टर भाग्यधर साहू जी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिनकी उम्र है 44 साल और इनको डायबिटीज लगभग 14 साल पहले डायग्नोस हुआ था। ये इस समय गुजरात के भरूच में रहते हैं, बेसिकली ये हैं उड़ीसा से, पर जब इन्होंने हमारा डायबिटीज के कंट्रोल और रिवर्सल का प्रोग्राम ज्वाइन किया उस समय ये अब्रॉड में थे, कांगो में। वहीं से उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, पर यहाँ आने के बाद में और अच्छे से डाइट फॉलो कर पाए। जब इनको डायबिटीज हुआ था उस समय इनका ब्लड शुगर काफी हाई आता था, जो लगभग फास्टिंग के अंदर 180 के करीब, खाना खाने के बाद में करीब 216 और HbA1c करीब 7.8 था। और वजन उस समय इनका काफी अधिक होता था, लगभग 78 kg, क्योंकि इनकी हाइट है 164 सेंटीमीटर, तो आइडियली इनका वजन होना चाहिए 64 किलो। फिर जब इन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइनिंग किया कांगो में रहते हुए, तब अप्रैल 2023 में इन्होंने अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू किया। हालांकि उस समय इनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में थी, पर दवाइयों के साथ थी, तो जानेंगे उनकी कौन सी दवाइयां चल रही थी। और उस समय इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के करीब और खाना खाने के बाद की 140 के नीचे रहती थी, परंतु दवाइयां चालू थी और वजन करीब 74 किलो था। परंतु अब आज के कॉन्टेक्स्ट में इनका ब्लड शुगर रेमिजन के अंदर चला गया है और आज की तारीख में इनका फास्टिंग ब्लड शुगर आता है 96 से 100 के बीच में, और खाना खाने के बाद की शुगर आती है 105 से 120, और HbA1c है मात्र 4.5, वो भी बिना किसी एलोपैथिक दवाइयों के। और वजन इनका 66 kg है, हालांकि आइडियली इनका 64 kg होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रेमिजन किया है, तो आइए आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। साहू जी नमस्कार, नमस्कार सर। क्या हालचाल, कैसे हैं? सर ठीक है सर, आपका कृपा से। अरे और जो भी आज मैं आज जो पॉसिबल हुआ आपका वजह से, क्योंकि मैं जब आपका पहले देखा फेसबुक पे आपका एडवर्टाइज देखा, फिर बाद में मैं यूट्यूब में जाके सर्च किया, आपका सब देखने के बाद आपसे कांटेक्ट किया। हाँ आपका डाइटिशियन लोग बहुत मुझे हेल्प किया, और आपका भी जब भी कभी रात कभी भी फोन करता था, क्योंकि जब अफ्रीका में रहता था वो हाँ टाइम टाइम डिफरेंट, टाइम जोन डिफरेंट हो जाता था। जोन अलग था। हाँ पर एक बात अच्छे बताएं, आपको ये डायबिटीज की शुरुआत कब हुई? क्या दर्शकों को पूरा शुरू से बताएंगे से। तो उनको एक्चुअली थोड़ा ये सा एक्चुअली जब एनकरेजमेंट दो मिले? दो हजार 2014 में मैं वियतनाम के लिए जा रहा था, तब तो हमारा मेडिकल टेस्ट हो रहा था। ओके तो मेडिकल टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज है। तब ओके मुझे डायबिटीज में 170 और फास्टिंग था, प्लस 240 का पीपी था। तो जब उस टाइम से मेरा दवाई चालू हो गया था, तब लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं था कि दवा डायबिटीज रिवर्सल होता है बोल के, क्योंकि बराबर 2014 बराबर में ऐसा कुछ, ऐसा कोई मीडिया भी नहीं था कि हम जान सही बात चुके कुछ भी सही बात करके। सही बात जब हमने जिससे पूछा तो हम लोग को पता चला कि डायबिटीज वंस आने के बाद ये रिवर्स नहीं होता है, और ये लाइफ टाइम तक साथ में रहता है। हमको खाली परहेज करना पड़ता है, खाना है और मेडिसिन कंटिन्यू रखना पड़ता है। जब मुझे मैं 2023 फेब्रुवरी में मेरा बॉडी चेकअप किया, इंडिया आया था विजिट के लिए, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका प्रोटीन भी जा रहा है आपका यूरिन में, आपका लिवर फैटी लिवर भी है, लिवर डिस्टर्ब है, लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब है। तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन इमिडिएटली चालू किया। जब उसका साथ में मेरा डायबिटीज का जो मेडिसिन चेंज कर दिया, उन्होंने मेरा एजिलेक्स MF2 दिया प्लस उडापा 5। तो साथ साथ उसका साथ में मेरा कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन चालू हो गया और लिवर लिवर के लिए मेडिसिन चालू हो गया था। बराबर आफ्टर 1 मंथ जब टेस्ट किया, मेरा लिवर फंक्शन टेस्ट बराबर हो गया था, प्लस जो माइक्रो एल्बुमिन मेरा थोड़ा बड़ा हुआ था, जो कि आज पर द रेंज ये बिलो 30 रहना चाहिए, 58 था। तो बराबर मेडिकेशन चालू हो गया। तब तो मैं एक दिन सर्च कर रहा था फेसबुक में आपका, मैं शो देखा, बाकी सब लोग का देख रहा था ऐसा डायबिटीज रिवर्सल, सब लोग ऐसा आर्ट दे रहे, लेकिन आपका मुझे थोड़ा पसंद आया, क्योंकि आपका जो खान पान का जो स्टाइल था उसमें कोई बराबर चेंजेस ऐसा इतना भी नहीं था,
और मुझे पता चला, एक्चुअली उसी दिन ही पता चला कि कार्बोहाइड्रेट का वजह से हमारा शुगर बढ़ता है शरीर में, जो कि बराबर हम उसी में कंट्रोल कर दिया जाएगा तो डायबिटीज हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो बराबर उसी को फॉलो करके मैं आपको कांटेक्ट किया, तो बराबर आपका तरफ से मैं आपका प्रोग्राम भी ज्वाइन किया, प्लस बराबर। 3 महीने मैं कंटिन्यूअसली आपका तो डाइटिशियन। उस समय जब भी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, उस समय ब्लड शुगर लेवल्स क्या थे उन दवाइयों के साथ में? 101 और खाने खाने के बाद 120 130 एक ऐसा सौ तो बीस आता था, बराबर ऐसा बराबर। आता था। तो और अभी क्या फिर स्थिति कैसे है? अभी मेरा अभी भी 2 महीना हो गया, मैं मेडिसिन ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, बराबर। कोई डायबिटीज का मेडिसिन मेरा नहीं है, मैं ओनली डाइट फॉलो करता हूँ प्लस एक्सरसाइज करता हूँ। राइट। तो अभी ब्लड शुगर रेट क्या आती है? मेरा 96 लेके 110 तक वेरी करता रहता है, प्लस खाने खाने के बाद 105 110 120 मैक्सिमम 120। मैक्सिमम 120 जाता है। यहाँ अभी रिसेंटली मैं ब्लड टेस्ट किया था, मैं भी लास्ट बिफोर 3 डेज बिफोर, तो बराबर रिपोर्ट में मेरा HbA1c 4.5 आया था और मेरा माइक्रो अल्बुमिन 3.5 समथिंग था। बराबर। तो वो भी क्लियर हो गया, मतलब किडनी इशू हाँ क्लियर है, लिवर इशू क्लियर है, डायबिटीज रेमिजन हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, अब ये रिपोर्ट अगर आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो क्या वो विश्वास करेगा कि आप डायबिटिक नहीं, थे? मुझे विश्वास नहीं होगा कि वो विश्वास करेंगे, वो क्योंकि भी 10 साल वो से, 10 साल से डायबिटिक थे, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पे। और यही कारण एक्चुअली बनता है, दरअसल क्या होता है, जब मेरे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि साहब रिवर्स हो सकता है क्या, तो उन्होंने चूंकि अब तक डायबिटीज किसी का रिवर्स नहीं कर पाया है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर मेरे पास तो अनगिनत पेशेंट है। एक्चुअली सर मैं गलती किया हूँ कि मेरा जो कंटिन्यूस डॉक्टर को चेकअप कर रहा था उनसे मैं बताया नहीं, क्योंकि आपको भरोसा करके मैं मेडिसिन भी छोड़ दिया, प्लस बराबर हर एवरी मंथ मैं चेक करता रहा, क्योंकि मैं सोचा था कि किडनी का भी इफेक्ट है, जो भी है लिवर का भी इफेक्ट है, क्योंकि मेरा कंटिन्यूस 1 मंथ एक बार मैं बॉडी चेकअप करता रहा था, बराबर। इसमें कोई मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता रहा, इसके लिए मैं देखो अभी आपको 2 किलो 2.5 किलो वजन और घटाना है, तो जो फैटी लिवर के चांसेस रहते हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। और तब तक 1-1.5 महीने के अंदर आपका फिर GTT टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपका फास्टिंग एंश्योर करें कि हर बार 100 के नीचे रहे, और खाना खाने के बाद का 90 से 115 के बीच में रहे, तो 1 महीने के बाद में 2 से 2.5 किलो वजन घटने पर फिर आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके टेस्ट करना, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन होगा अपना रिवर्सल का। ओके क्योंकि सर, कंट्रोल हो चुका, रेमिजन हो चुका, अब रिवर्सल के लिए एक स्टेप बाकी रह गया है, तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा, उसमें ये हो जाएगा। 2 किलो वजन घटाएं और ब्लड शुगर में थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर लें, जो आपके ब्रेकफास्ट वगैरह हैं उसमें कार्ब्स और थोड़े से कंट्रोल करेंगे, तो ये 100% हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने रेमिजन किया। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो सालों साल से डायबिटीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? मैं इतना कहूंगा कि हम लोग जो एलोपैथी को भरोसा करके मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हम नेचुरली कैसे हमारा डायबिटीज को कंट्रोल बराबर करें तो हमारे लिए ठीक रहेगा, हमारा हर बॉडी का हर ऑर्गन के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि डे टू डे हमारा डॉक्टर मेडिसिन बढ़ाते जा रहा है, कोई हमारा एलोपैथिक मेडिसिन कम ये नहीं बात होता। सही है, पर फिर भी जो मरीज देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, एकदम से अपनी दवाइयां ना छोड़ दें, दवाइयां चलने दें, और जैसे जैसे डाइट फॉलो करेंगे ब्लड शुगर ड्रॉप होगा। हमारी टीम भी गाइड करती है और आपको भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से दवाइयों को बंद करना है, जिससे कभी भी केओटिक सिचुएशन नहीं बने कि अचानक से शुगर बढ़ गया। तो एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर को इमिडिएटली हमारा हम अपना मन से डिसीजन नहीं लेंगे, हम हर मंथ हमारा चेकअप करते रहे, लैब टेस्ट करते रहे, जो कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा स्टेटस क्या रहता है, बात है। तो तो और जाके हम लोगों के आपको लिए क्या मैसेज आपका, लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं ये कहूंगा कि हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट को इंटेक को बहुत से ज्यादा कम से कम ले, जो कि बराबर हमारा डायबिटीज उसी में से कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता रहता है, शुगर लेवल उसी में ही बढ़ता है, सही कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम लोग को बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। जिसके कारण हमारा बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। सही बात है, सही बात है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को।
आई होप आने वाले समय के अंदर अब आपका जो जीटीटी टेस्ट रह गया है वो भी पास होगा, और इसके लिए मैं मेरी टीम दोनों ही आपको गाइड करेंगे। आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेमिजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे उम्मीद है आने वाले 1-1.5 महीने में हम आपके साथ में एक और इंटरव्यू करेंगे आपके जीटीटी टेस्ट पास होने के बाद, क्योंकि जो आपका HbA1c है वो ये अभी भी दिखा रहा है कि आपका जीटीटी टेस्ट आज भी पास होना चाहिए। पर ये 2 किलो वजन घटा के और थोड़ा और फाइन ट्यून करके करेंगे ना, तो पहली बार में ही आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो एक आध नहीं महीना रुक करके करें। ये साल, बट ये एक बात भी बोलना चाहूंगा सभी लोग को, क्योंकि बिना गुरु से कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे गाइड कि मतलब आप आपका जो गाइड है, और मैं सोचा वो परफेक्ट था, और जो कि लोगों का को समझना चाहिए कि सर ने क्या बोलते हैं, उनको सुनिए एक बार, और उसको उसके बाद हम लोग उस पे कार्य कार्य में लगाना चाहिए, तो उसमें क्या हमको पता चल जाएगा क्या रियलिटी है क्या सही फेक है। सही बात है। तो बहुत और बहुत दूसरा सर, बधाई। मैं आपको इतना थैंक यू करूंगा, अरे जो कि थैंक यू। मैं जो पोजीशन में आज हूँ आपका वजह से। नहीं नहीं पर आपकी उसमें बहुत मेहनत रही, और डेफिनेटली आपके साथ में आपकी फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीजिए। और जी सर, आगे का फिर हम इंटरव्यू करेंगे एक बार आपका रिवर्सल जीटीटी टेस्ट पास होने के बाद में। समय जी निकालने के सर, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को जरूर आपको सुनकर के मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। डायबिटीज राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, बासमती राइस, सबको भूल जाइए। यदि आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज और वेट लॉस में कौन सा बेस्ट राइस है, तो यहां दिए हुए इमेज को क्लिक करें और जानें बेस्ट राइस डायबिटीज और वेट लॉस के।